दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि जल को हनुमान चालीसा के द्वारा कैसे सिद्ध करें। अब जल के विषय में आप सब जानते हैं कि जल से बहुत से कार्य किए जा सकते हैं। जल के द्वारा दोष निवारण के भी जल से कैसे बाधा का निवारण करें, यह बातें भी हमने अपने वीडियो में बताई हैं। एक गिलास जल से बाधा का निवारण किया जा सकता है, अपने ऊपर से घुमा करके दरवाजे पर उसको ढालना पड़ता है। इसी प्रकार से दोस्तों, जब हम जल के ऊपर जाते हैं तो हमें पता चलता है कि जल के बिना जीवन भी नहीं है। जल पूरी सृष्टि का आधार है दोस्तों। आप एक समय भोजन के बिना भी रह जाएं, लेकिन जल के बिना नहीं रह सकते दोस्तों। जल के द्वारा इतने प्रयोग हैं कि आपको बताएं तो अब समय नहीं है, लेकिन हमारा विषय है, उस विषय पर हम जरूर आते हैं। पुराने समय में योगी जन इसी जल को सिद्ध करके अपना मनोरथ पूर्ण किया करते थे। चाहे किसी को अभिशाप देना हो, चाहे किसी को आशीर्वाद देना हो, वह जल को ही सिद्ध कर लिया करते थे। और जिस रूप में प्रयोग करना हो उसी रूप में उसको छिड़क करके फेंक देते थे, और वह जल वहीं से काम करता था दोस्तों। आज हम उसी जल की बात करेंगे। हनुमान चालीसा के द्वारा कि हम जल को कैसे सिद्ध करें। आप दोस्तों, केवल जब जल सिद्ध करते हैं तब एक बात को ध्यान में रखनी है आपने, कि आपने जल का प्रयोग किस विषय के लिए करना है। यदि आपको स्वयं ही नहीं पता तो फिर आप जल सिद्ध करेंगे, जल सिद्ध होगा ही नहीं और वह कार्य भी नहीं करेगा। आपको पता है कि मैंने अपने शत्रुओं के नाश के लिए जल को सिद्ध करना है, तो इसमें शत्रुओं के नाश के साथ में बाधा निवारण किया कराया, भूत प्रेत बाहर की बाधा हो, अंदर की बाधा हो, नकारात्मक पावर हो, यह सभी चीजें शामिल हो जाती हैं। आप जब सिद्ध करते हैं तो आपने संकल्प लेना पड़ता है, और वह संकल्प किस प्रकार से होता है, यदि आपने संकल्प लेना सीख लिया तो दोस्तों समझ लेना, जल भी सिद्ध हो जाएगा और आपके कार्य भी पूर्ण हो जाएंगे। मैं आपको संक्षिप्त में ही बता देता हूं कि जब भी आप कार्य करने के लिए बैठें तो पास में जल लेकर के जरूर बैठें। हनुमान चालीसा की पुस्तक याद नहीं है तो पुस्तक से करें, तो पुस्तक का आपने अवश्य प्रार्थना करनी है। अब आपने जो संकल्प लेना है वह किस प्रकार से लेना है, हाथ में जल लेकर के 3 बार बोलना है, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। हे परमपिता परमेश्वर, मैं अब यहां पर अपना नाम बोलना है। उसके बाद गोत्र पता हो तो गोत्र बोलना, नहीं पता हो तो अपने पिता का नाम बोलना और अपना पूरा पता बोलना, यानी कि एड्रेस बोलना जहां पर आप रह रहे हैं। उससे आगे बोलना कि मैं अपने शत्रु विनाश के लिए,
भूत प्रेत पिशाच को दूर हटाने के लिए, सभी बाधाओं को दूर करने के लिए, सभी नकारात्मक चीजों को दूर करने के लिए यह हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा हूं, इसमें मुझे सफलता प्रदान करें। दोस्तों यहां तक आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे, इसमें किसी भी दूसरी प्रकार की बातों का जिक्र नहीं है। आपने दूसरा जब संकल्प लेना है कोई भी, जो आप लक्ष्मी प्राप्ति के लिए जल को सिद्ध करते हैं या अपनी विद्या प्राप्ति के लिए करते हैं या अपने घर में की पुत्र प्राप्ति के लिए, संतान प्राप्ति के लिए करते हैं, आप किसी भी प्रकार के लिए करते हैं, तो उसका संकल्प फिर वही संकल्प बोला जाएगा, यह संकल्प नहीं चलेगा। अब उसमें अपने पते के बाद, अपने एड्रेस के बाद में जो कार्य आप चाहते हैं, एक ही कार्य की अर्जी लगाना, दोस्तों जल पर संपूर्ण कार्य की अर्जी ना लगाना, इस बात का विशेष ध्यान रहे। पूरा संकल्प बोलने के बाद जल को नीचे छोड़ दें पृथ्वी पर, और वहां पर अपनी उंगली लगाकर 3 बार ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री, यहां तक आप समझ गए दोस्तों। यह कार्य जब आप करेंगे तो इससे पहले आपने क्या करना है, किसी भी शनिवार के दिन आपने अपनी एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछा लेना है दोस्तों, उस पर अपने चावल या गेहूं से स्वास्तिक बना लेना। जिस प्रकार मैं बता रहा हूं, स्वास्तिक बनाना हर व्यक्ति को आता है, और उस स्वास्तिक के ऊपर आप एक लोटे में जल भरकर स्थापित कर देना। यहां तक दोस्तों आप समझ गए, जल भरकर स्थापित कर देना। अब उसमें 5 पीपल के पत्ते लगा लेना दोस्तों, 5 पीपल के पत्ते लगाकर उसको पात्र से ढक देना। दोस्तों इतना काम आप कर लेना। कहीं पर पीपल के पत्ते यदि सुविधा से ना मिल पाए तो आप फिर दूसरे वृक्ष के, जिसके चौड़े पत्ते हैं, प्रयोग में ला सकते हैं। हो सके तो पीपल के पत्ते प्रयोग में लाएं। अब दोस्तों यह आपने चौकी पर स्थापित कर लेना है, और उसके साथ में ही आपने एक पात्र लेकर उसमें थोड़ा चावल या अनाज डालकर दीपक की स्थापना कर देनी है, और दीपक शुद्ध देसी घी का होना चाहिए। अगर शुद्ध देसी घी नहीं मिलता हो तब आप तिल का तेल या सरसों का तेल भी प्रयोग कर सकते हैं, वह भी शुद्ध होना चाहिए। दोस्तों आप जब भी संकल्प लेते हैं तो कभी आप यह नहीं कहेंगे कि मैं यह 11 दिन तक करूंगा या 11 पाठ करूंगा, ऐसा कभी नहीं बोलना है। यह आपने मन में ही सोचे रखना है कि मैंने 11 दिन 11 पाठ रोज करने हैं, इस शनिवार से प्रारंभ करने हैं और मंगलवार को उसका समापन करना है, तो 11 दिन हो जाएंगे, और रोज के 11 पाठ करेंगे तो आपका कार्य संपूर्ण हो जाएगा। पर यह इसका हवाला कभी संकल्प में मत देना कि मैं 11 दिन तक यह पाठ करूंगा, ऐसा कभी नहीं करना। अब दोस्तों 11 दिन के बाद जल बिल्कुल सिद्ध हो जाता है। दोस्तों आपने अगर शत्रु विनाश के लिए किया है तो आप हाथ में जल लेकर जिस दिशा में शत्रु है उसका नाम लेकर ही उस दिशा में फेंक देना। दोस्तों पहले हनुमान चालीसा पढ़ना, फिर उसके बाद में यह कार्य करना, क्योंकि आपने हनुमान चालीसा के द्वारा ही सिद्ध किया है। हनुमान चालीसा पढ़ते समय एक बात का जरूर ध्यान रखें, जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम बोल करके हनुमान चालीसा प्रारंभ करें और जय श्री राम से ही अंत करें, फिर जय श्री राम बोल करके इस प्रकार 11 पाठ करें।
दोस्तों इस प्रकार यदि आप 11 पाठ कर लेते हैं, 11 दिन तक कर लेते हैं, तो समझ लेना कि आपने जो कार्य किया है वह पूरा होगा ही होगा। दोस्तों आप इसके अलावा अब दूसरे कार्य के लिए सिद्ध करते हैं तो बस उसमें संकल्प बदल देना, और दूसरे कार्य में यदि आपने अपने रिद्धि सिद्धि के लिए किया है तो आपने स्वयं जल को पीना है, आपने अपना रोज उसमें से थोड़ा थोड़ा जल ग्रहण करना है हनुमान चालीसा पढ़ करके, और अपनी यही प्रार्थना करनी है कि मैं अपनी रिद्धि सिद्धि के लिए अपने इस जल को ग्रहण कर रहा हूं, मुझे रिद्धि सिद्धि प्राप्त हो। दोस्तों रिद्धि सिद्धि हो, विद्या प्राप्ति हो, या आप कोई भी कार्य के लिए स्वयं करते हैं तो आप जल को स्वयं ग्रहण करें, और यदि किसी बाधा निवारक के लिए करते हैं तो उसको आपने फेंक करके दूर फेंकना है। इस प्रकार से मान लो किसी में भूत प्रेत बाधा है और वह सामने बैठा है, इसी प्रकार हनुमान चालीसा पढ़कर उसको जल लेना और उसके ऊपर इस प्रकार से फेंकना है। दोस्तों किसी भी बाधा निवारक पर 3 दिन यह लगातार प्रयोग करें। आपने भी करना है रिद्धि सिद्धि तो 3 दिन करें, आपने भी अपने शत्रु के लिए भी करना है तो 3 दिन तक लगातार इस प्रयोग को करें। दोस्तों 100% काम करेगा, करके देख लेना, अच्छा लगता है तो दोस्तों आपके लिए सिर्फ इतना ही। फिर मिलते हैं दोस्तों नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय माता।